कटनी जिले में एक नाबालिग प्रेमी द्वारा प्रेमिका की मां को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पडवार का है, जहां एक नाबालिग प्रेमी का कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते रविवार को प्रेमिका के साथ उसकी मां शिल्पा नाबालिग किशोर को देखने उसके घर गई थी। उसी दौरान किसी विवाद के चलते नाबालिग प्रेमी ने कट्टे के साथ प्रेमिका की मां शिल्पा राजपूत पर फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने से शिल्पा राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात हो गया है, साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये अभी लगभग एक घंटे पूर्व पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना स्लीमनाबाद अंतर्गत पड़वार गांव है, वहां पर एक नाबालिग बच्चे के द्वारा एक महिला को गोली मार दी गई है, जिसकी सूचना पर हमारी पुलिस महिला की जहां भर्ती थी वहां पर पहुंची, जहां से जानकारी प्राप्त हुई कि जो लड़की है, जो महिला है, जिसको पीड़ित महिला है, उसकी बेटी और जिस लड़के ने गोली मारी है और दोनों के बीच में जो उसकी जानकारी परिवार को भी है, तो अभी कल संभवतः लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जानकारी लेने के लिए जब ये लड़की की माँ लड़के के पास गई थी तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद को लेकर ऐसा बताया गया है पीड़िता के द्वारा कि लड़के के द्वारा गोली मार दी गई, जो पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जो अभी इसको जबलपुर रेफर किया गया है, जिसको अभी डॉक्टर द्वारा नाजुक स्थिति बताई गई जिसकी।